मनी गुरु में आज हम आपको बता रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के सात वचन। शादी करने जा रहे हैं आप, शादी हो चुकी है, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी होना बेहद जरूरी है, किन बातों का ध्यान रखें। पहला वचन जो हमने डिस्कस किया वो है कि मिलकर फ्यूचर प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। दूसरा वचन है इंश्योरेंस नीड्स को जरूर आप देखें। तीसरा वचन है लोन अगर आपने लिया हुआ है तो उसको जॉइंटली उसका चुकता करें। चौथा वचन है कि जॉइंट अकाउंट बनाना बेहद जरूरी हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी रखें। पांचवा वचन है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड बनाना बेहद जरूरी है। हमारे साथ जितेंद्र सोलंकी है। जितेंद्र, पांच वचनों पर तो हमने चर्चा कर ली है, लेकिन अब हम जो छठवा वचन है उसकी तरफ आते हैं। शादी के बाद एक डेफिनेटली घर को चलाना है, मंथली बजट की प्लानिंग करनी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। शादी के पहले तो डेफिनेटली मम्मी पापा के साथ अगर आप रहते हो, अकेले रहते हो, तो आपकी अपनी नीड्स हैं, लेकिन उसके बाद पार्टनर की नीड्स को साथ में जोड़कर चलना कितना इंपॉर्टेंट है, क्या करें इसके लिए? देखिए, मंथली बजट किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक मूल जो बेसिक्स होता है। सबसे पहले आपको एक, क्योंकि आप क्या खर्चे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना आप सेव कर पा रहे हैं, जब तक आप मंथली बजट बना के नहीं चलेंगे तब तक आपके लिए निकालना बहुत मुश्किल होता है। और जब आपकी शादी हो जाती है तो एक तरह से आपके खर्चे डबल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपके भी कुछ खर्चे हैं, कुछ खर्चे आपके पार्टनर की तरफ होते हैं। तो एक मंथली बजट का आपको मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ना कई बार क्या होता है कि हम कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे थे, कई बार क्या होता है कि एक स्पेंडर ज़्यादा होता है और एक सेवर ज़्यादा हो जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें ज़रूरी है कि उसको आप अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करें। वैसे जितेंद्र, स्पेंडर कौन ज़्यादा होता है और सेवर कौन ज़्यादा होता है? जनरली ज़्यादातर अगर जितनी हम देखें तो उस केस में मेन ज़्यादा स्पेंडर होते हैं एक्चुअली। हाँ, अगर वुमेन को फाइनेंशियल प्लानिंग दिया जाए तो वो ज्यादा पैसा सेव करती है, हम सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जैसे अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करें। अगर आप एक ज्यादा स्पेंडर है तो वो अपने जो भी घर के एक्सपेंसेस होते हैं वो अपनी तरफ ले सकता है, और अगर एक सेवर है तो वो अपनी इनकम को ज्यादा सेव करने में यूटिलाइज कर सकता है। और आजकल के सिनेरियो में कैशलेस होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया मंथली बजट में? बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से जो अब करंट सिनेरियो है, धीरे धीरे से दुकानों पर भी और जगह भी कैशलेस ट्रांजेक्शन धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो बहुत सारे टूल्स, टेक्नोलॉजी इंडिया में इस तरह से डेवलप हो रही है कि आपके पास इतने सारे टूल्स हैं कि आप कैशलेस को एक अच्छे से यूज कर सकते हैं। बैंकिंग फैसिलिटीज आपके पास बहुत अच्छी हो गई हैं। ऑलराइट, तो कैशलेस को उस तरह से यूज करें, और जैसे मैंने कहा कि एक मंथली बजट और अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से उसको मॉनिटरिंग करें और एक सेट लिमिट के अंदर ही चलें। तो सातवां वचन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटायरमेंट प्लानिंग। पहले आप अकेले करते हैं, फिर जब अपने पार्टनर के साथ करना, सबसे इंपॉर्टेंट गोल। जितेंद्र जी, जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग का, और मेरी राय में बहुत निग्लेक्टेड फैक्टर भी है। बहुत कम लोग हैं जो रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ ध्यान देते हैं। उसका एक कारण ये भी होता है कि आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपका लिमिटेड बजट है, क्योंकि जैसे ही आपकी शादी होती है और जैसे ही बच्चे होते हैं तो उनके जो खर्चे हैं वो ऐड हो जाते हैं। फिर और जब आपके पास ये डिसीजन लेना होता है कि वो पहले रिटायरमेंट प्लानिंग करें या पहले बच्चों की प्लानिंग करें, तो ज़्यादातर केसेस में रिटायरमेंट प्लानिंग बैक सीट पे चला जाता है। तो ज़रूरी है कि जब आपकी शादी हो गई है तो रिटायरमेंट प्लानिंग को एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन दें। सबसे पहले आप, क्योंकि आपके पास वक्त भी अच्छा होता है, शादी हुई है उसके बाद आपके पास मसलन 30-35 साल होंगे आपके रिटायरमेंट के लिए, तो ये इतना अच्छा पीरियड मिल जाता है एक्यूमुलेशन के लिए। तो आप एक आइडेंटिफाई करें आपको रिटायरमेंट में क्या कॉर्पस चाहिए होगा, उसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहला एम्प्लॉयर बेनिफिट आता है, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, उसको आप देखें उससे आप कितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसमें नेशनल पेंशन स्कीम जैसी है रिटायरमेंट की, लो कॉस्ट ऑप्शन है, उसको अवेल कर सकते हैं, या फिर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का भी इन्वेस्ट करके आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। जी जी, तो ये है फाइनेंशियल प्लानिंग के सात वचन। डेफिनेटली फैमिली प्लानिंग से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जरूर सोचिए। शादी अगर हो गई है, अगर शादी नहीं हुई है तो भी आप यही सात वचन निभा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए मनी गुरु के इस बेहद ही खास एपिसोड में।